अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ज़माना था जब ड्रीम गर्ल के नाम पे हेमा मालिनी का नाम आता था। ड्रीम गर्ल जब भी लगता था या जब भी जहन में आता था तो हेमा मालिनी की शक्ल बनती थी। अब दौर बदल गया है और अब इसकी जगह ले ली है आयुष्मान खुराना ने, जो नए दौर की ड्रीम गर्ल बन गए हैं या बन गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, आयुष्मान खुराना जो नए दौर में बदलते रंगों के साथ ड्रीम बॉय बनने की बजाय बन गए हैं ड्रीम गर्ल, और इसकी वजह है इनकी नई फिल्म ड्रीम गर्ल, जिसमें ये एक नए और मुनफरिद स्टाइल में नजर आ रहे हैं। आयुष्मान इस फिल्म में करमवीर का रोल कर रहे हैं, जो कि पूजा भी है। अब होता कुछ यूं है कि करमवीर एक बेरोजगार इंसान है जिसके पास अनफॉर्चुनेटली एक ही हुनर है, और वो है लड़की की आवाज़ में बात। इसकी वजह से वो स्टेज ड्रामों में भी काम करता रहा है, लेकिन अब कुछ वो अपने लिए करना चाहता है, कुछ इनोवेटिव। तो वो कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर देता है पूजा बनकर, लड़कों को कॉल्स करता है, नित नई बातें करता है दिल बहलाने वाली। खैर, ये फीलिंग कहाँ से आती है कि एक लड़का लड़की की तरह बातें करे, जो कि आयुष्मान ने बखूबी अदा किया। हैट्स ऑफ टू हिम। वैसे तो आयुष्मान की एक्टिंग बहुत ही फाइन है, जिस फिल्म में भी ये काम करते हैं उसको अच्छे तरीके से निभाते हैं। खैर, स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी कि पूजा के कई चाहने वाले हो जाएंगे, जिनमें से एक लड़की भी है, जबकि पूजा अब अपना ख्वाब पूरा कर चुकी यानी चुका है, और अब इन नाम निहाद आशिकों से जान छुड़ाना चाहता है। मीनवाइल इसकी अपनी लव लाइफ भी शुरू हो जाती है प्यार का पंचनामा की एक्ट्रेस नुसरत से, जो फिल्म में एक बिल्कुल ही अलग लुक में नजर आ रही है। विकी डोनर में जो डॉक्टर थे अनु कपूर, वो भी नजर आएंगे करमवीर के बाप के रोल में। इनकी जोड़ी वैसे ही काफी पसंद की जाती है। इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है दोनों ने। फिल्म की स्टोरी को कामयाब करते हैं सिचुएशन बेस्ड ह्यूमर, जो कि इस फिल्म में बहुत ही आला तरीके से पोर्ट्रेट किए गए हैं। फनी चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये कि पूजा अपनी इज्जत कैसे बचाती है और क्या सोशल मैसेज वो एंड में देती है। दुनिया में दो तरह के लड़के होते हैं, एक थड़की और एक जिनके पास एक्चुअल में जीएफ होती है। थड़की लोगों को किसी भी लड़की की कॉल आती है तो वैसे ही फ्लैट हो जाते हैं, वैसे ही इस फिल्म में पूजा के पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी, लड़के भी ऐसे लिचड़ की जान छोड़ने का नाम नहीं लेते। खैर, एंड में इसके खुलासा होगा कि पूजा असल में लड़की है, जो कि थोड़ा बेहतर हो सकता था। आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।